आज फिर से एक कश्मीरी पंडित संजय पंडिता को कश्मीर में शहीद किया गया है। इस किलिंग की हम मजम्मत करते हैं, पूरी कम्युनिटी दुख में है। जो ये सरकार दावे कर रही है कि कश्मीर में नॉर्मल सी है और पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पत्थरबाजी बंद हुई है तो ये कत्लगारत क्यों है? कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में क्यों चुन चुन कर मारा जाता है? इसीलिए हमारे पैकेज मुलाजिम सरकार से कहते थे, जो दर्दे पर है, कि उनकी जान खतरे में है, उनको मिलिटेंटों ने थ्रेट दिया है कि कश्मीर आओगे आपको मारा जाएगा, आपको कत्ल किया जाएगा। वो अपनी जान की हिफाजत मांग रहे हैं, जबकि इस सरकार ने उनकी तनख्वाहें बंद की, जो कि शर्म है, शर्म है, शर्म है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर कश्मीरी पंडित कब तक जलाई वतनी में रहेगा और कब तक इनको कश्मीर में मारा जाएगा, जबकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हर एक कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहना चाहता है। लेकिन इस सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीरी पंडित 33 साल से दर बदर की जिंदगी बसर कर रहे हैं और मजबूर है जिलाए वतनी की जिंदगी बसर करने पर, जबकि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में जमीन जायदादें हैं, कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड है। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने, बीजेपी वालों ने कश्मीरी पंडितों के साथ वादे किए थे, वो खोखले साबित हुए और यह सरकार पूरे दुनिया को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस चले गए हैं, उनको बसाया गया है कश्मीर में, कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं, जबकि कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं है। कश्मीर में मिलिटेंसी है और इस सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से पूरा हिंदुस्तान खराब हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख दर्द दिए जाते हैं और इस सरकार को रिजाइन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।